हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपने डीसीएम का 23वां पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट, जिसमें अपना आज का टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी। वही अपना इसमें 75 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन आइए देखते हैं। द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसके अंदर अपने को सम देखना है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। मेटल्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, ज्यूम कर लेंगे अपन x। En का कितना होता है, 0। ऑक्सीलेटों की -2 और क्लोरीन की -1। ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो x इज गस टू कितना आ गया, +3। इसका मतलब यहाँ पे मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो इथाइलिन डाइएमीन ईएन है आपका, कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अकेला ही कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, ऐसे 2 लिगेंड है। प्लस ऑक्सीलेटो, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 बॉन्ड ये बना रहा है, ऐसा एक ही है। टोटल कितना आ गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए। तो इनका सम कितना हो गया, 6 और 3 9। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following will not give test of chloride with AgNO3 at 25 degree Celsius? तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है, और कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में आयनाइजेशन उसी का होता है जो आयनाइजेशन स्फीयर में होगा। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लेक्स बना करके देखें अपन। तो कोबाल्ट +3 में है, इन सब में कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कोबाल्ट +3 में होने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी कितनी आएगी, 6। तो उसके अनुसार इन सबको सेट कर दो। कोबाल्ट तो फर्स्ट आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल देने पड़ेंगे, 3। कितने हैं ये, 5। एक और चाहिए तो Cl, बाकी 2 Cl बाहर। तो इसका मतलब ये तो टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन देगा, 2 क्लोरीन बाहर है तो 2 आयनाइज होंगे, 2 AgCl ये बना सकता है 1 मोल अकेला। वैसे ही इसकी बात करें, इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहोगे तो कोबाल्ट NH3 कितना आ जाएगा, 6। तो तीनों क्लोरीन बाहर है, ये अकेला एक मोल ही 3 मोल AgCl यहाँ से बना सकता है। इसकी बात करें अपन, तो कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेट करनी है, तो NH3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इससे हो गई। अब 2 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे, बचा हुआ एक बार, तो ये भी आपका क्या देगा, 1 AgCl दे सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो कोबाल्ट की 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करने के चक्कर में तीनों तो ये अंदर आ गए और तीनों क्लोराइड भी अंदर आ गए, तो यहाँ पे बाहर कोई आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड है ही नहीं, ऐसे में ये है। पर यहाँ पर AgNO3 के साथ ये क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, 4th आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको, पता है इस कॉम्प्लेक्स में ये आपका स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है। देखो आप हमेशा याद रखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो CFT बेस्ट वे रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4-5 है तो उसमें आप VVT अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन की अप्रोच इजी करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप किसी के लिए VVT और CFT आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो कोबाल्ट +3 में, और कोबाल्ट +3 में होने का मतलब आर्गन तक तो सेम है, उसके बाद में ये 3D6 4S0 हो जाएगा। तो वही सिंपल सा, ये आपका 3D6 है, 1 2 3 4 5 6। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो ऊपर चला जाएगा T2G, और ये आपका क्या आ जाएगा, EG। तो 6 इलेक्ट्रॉन फील करने, 1 2 3। अब आपका स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो पेयरिंग एनर्जी है उससे भी आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब पेयरिंग पॉसिबल है, तो 4th इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, 5th भी यहीं आएगा, और 6th भी यहीं आएगा। तो इनर 2 डी खाली हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 हो जाएगा। क्लियर, दूसरी चीज़, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 है, जबकि ये फ्री मेटल आयन था उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। तो जब भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो ये आ गया 9 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और कैसा बन रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही आपका बन गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
करेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट प्लस थ्री। तो आपको पता है एनर्जी और लेमडा एक दूसरे से इन्वर्सली रहते हैं। एनर्जी बोले तो स्प्लिटिंग एनर्जी देख लो, तो जिस जो स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होगा उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी वो, इसका मतलब लेमडा कम हो जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है उसकी लेमडा सबसे कम, जो सबसे वीक है उसकी लेमडा सबसे ज़्यादा रहेगी। तो सबसे वीक ई एन में से, एस टू ओ में से और एन एस थ्री में से कौन आएगा? सबसे वीक तो एस टू ओ गया, तो इसकी लेमडा सबसे ज़्यादा रहेगी। फिर कौन आएगा? ये। और फिर कौन आएगा? ये। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि आपको विजिबल रीजन में इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, बात यह है। क्लियर? नेक्स्ट, फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमरिज्म विल बी शो बाई। तो ये जीआई की दो फॉर्म है, तो ये आपके कौन से कॉम्प्लेक्स देते हैं? एम ए थ्री बी थ्री वाले देंगे आपके। कैसे? आप सिंपल सा ले लो, मैं यही बना रहा हूँ, सेंटर में मेटल है, आप ये समझ लेना, ठीक है? ये मेटल है यहाँ ए ए ए, सेम फेस पे आ गए, तो ये तो आपके कौन से आ गई, ठीक है? और इसमें ये इधर आ गया आपका कौन? बी। तो ये सेम फेस पे आ गए, तो इसको तो बोलते हैं अपन फेशियल आइसोमरिज्म, ठीक है? फेशियल आइसोमर्स आ गया। सेकंड अगर बनाना चाहे तो आपका कौन सा आएगा, जिसमें ए ए, अब ये एक यहां पे चला जाएगा, फिर आपका कौन सा आ गया? बी, और ये एक बी यहां आ जाए। तो देखो इस फेस पे एक अलग मॉलिक्यूल आ गया और इस पर एक अलग लिगेंड चला गया। क्लियर? अपोजिट पे चले गए, तो इसे मेरिडाइनल मर आइसोमर्स बोल सकते। तो इस प्रकार का कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये रहा। कैसे पता चला? कोबाल्ट को तो मेटल मान लो, मोनोडेंटेड लिगेंड है ए थ्री, ये भी मोनोडेंटेड है बी थ्री, इसी टाइप का तो कॉम्प्लेक्स है नहीं है, तो आपका कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप इस पे अप्लाई करके देखना, ये एम ए फोर बी टू टाइप का कॉम्प्लेक्स है, और एम ए फोर बी टू टाइप का कॉम्प्लेक्स होने का मतलब ये आपका दो देगा, एक सिस और एक ट्रांस। ये आपका एम ए फाइव बी टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो जी आई देगा ही नहीं, यहाँ पे देखा जाए ये भी जी आई शो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हमेशा याद रखे, बाइडेंटिकल लिगेंड अगर आ गया तो वहां ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो ये तो शो करेगा नहीं। नेक्स्ट बात करें, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा, सिस आइसोमर। देखो ध्यान से देखना, इसको मैं यूं बना सकता हूँ, ये तो मेटल हो गई, बाइडेंटेड लिगेंड और सिमेट्रिकल, तो इस प्रकार से डिनोट कर दिया, और ये आपका कौन आ गया? बी टू। तो इसका बना करके देखें तो आपको पता है, जब इसका सिस आइसोमर होता है ए ए, बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा सिस पोजिशन पे होते हैं, ये बी बी, तो ये सिस आइसोमर हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आपको देखने पे लग रहा है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं एक्चुअली। क्यों? ये आप यूँ मानो, ये बॉन्ड एक्सियल ऊपर है, तो ये यहाँ से रिंग का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो रहा है, और यहाँ पे ये एक्सियल अंदर की तरफ है, तो रिंग का फॉर्मेशन पीछे की तरफ हो रहा है, तो एक्चुअली में ये दोनों आइडेंटिकल पोर्सन होंगे ही नहीं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये आपका सिस है, ये आपका ओ आई शो कर देगा। हाँ, सेम दोबारा से दिया है यही, लेकिन ये ट्रांस है, तो देखो अगर ट्रांस का केस हुआ तो आप सबको पता है बी बी, अब ये तो एक ही प्लेन में है और ये भी एक ही प्लेन में है, तो ये लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से सीधा सीधा। क्लियर? पीओएस प्रेजेंट है, तो पीओएस है तो वो ओआई नहीं दे सकता, तो ये नहीं देगा, ये देगा ही नहीं, और ये एम ए फोर बी टू टाइप का, ये भी नहीं देगा, तो आपका कौन सा आ गया? सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चले, दी पेयर हैविंग सेम मैग्नेटिक मोमेंट, सेम मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो प्लस टू में है, क्रोमियम प्लस टू में होने का मतलब है आर्गन तक तो सेम, ये 3d 4 5s 4s 0 आ गया। अब आपको पता है H2 आपका कैसा है? वीक फील लिगेंड है,
और ये वीक फिल लिगेंड होने का मतलब है पेयरिंग तो होगी नहीं, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही बचेंगे। वैसे ही यहाँ पे बात करें कोबाल्ट, यहाँ पे प्लस टू में है, कोबाल्ट प्लस टू में होने का मतलब 3D7 4S0, और ये भी आपका वीक फिल लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या रहेंगे 3। और आपको पता है म्यू, म्यू क्या होता है एन एन प्लस टू अंडर रूट, ये बोर मैग्नेटोन में आ जाएगा, तो जिसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। सेम चीज आगे ये रही है, एक ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। यहाँ पे एफ ही की बात करें तो एफ ही प्लस टू में है, प्लस टू में होने का मतलब ये 3D6 है, 4S0 है। अब ये भी आपका वीक फिल लिगेंड है H2O, और वीक फिल लिगेंड होने का मतलब है ये पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 ही बचेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, तो आपके पास इसके पास भी 4 अनपेड है, तो सेम किसका हो जाएगा सेकंड का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, ये आपका कॉम्प्लेक्स दे दिया कोबाल्ट का विद एक्सेस ऑफ एज, ये एक्सेस में दे रखा है, कोई लफड़ा नहीं, ये कह रहे 1.2 × 10^22 आयंस आर प्रिसिपिटेट द कॉम्प्लेक्सेस। तो आप सिंपल सी चीज देखो, इसमें देखो कितने मोल्स होते हैं, पहली बात तो ये है, और इसके मोल्स निकाल लो, डन। इस प्रकार के सवाल करने का एक सिंपल सा तरीका है, तो आपको पता है मोल्स कैसे निकालते हैं MV, लेकिन ये किस में चाहिए भाई, लीटर में चाहिए, तो मोल्स निकालें, तो मोलैरिटी कितनी है 0.1 ml, अब इसको लीटर में बदलेंगे तो 10^-3, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ये ख़त्म, तो ये कितना आ गया 10^-2 मोल आ गया, एक नहीं आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो कितना लेके चलेंगे अपने, 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं, एक सवाल तो ये हो गया। अब आपको बता रहे प्रिसिपिटेट में कितने हैं मोल आने वाले, तो आपको पता है मोल निकालने का दूसरा तरीका क्या होगा, N/Na, तो N कितना है 1.2 × 10^22, Na क्या है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर क्या होती है 6 × 10^23, अप्रोक्स मान लेंगे ये, तो ये कितना आ गया 0.2, और ये ऊपर चला गया तो 10^-1, तो ये कितने मोल आ गए 0.02 मोल। इसका मतलब जितने मोल कॉम्प्लेक्स लेके चलोगे उससे जस्ट डबल मोल प्रिसिपिटेट आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के पास जस्ट डबल क्लोराइड आयन बाहर की तरफ होंगे, मतलब 2 क्लोराइड बाहर आने चाहिए, 2 क्लोराइड बाहर किस में, इसमें 1 है, इसमें 2 क्लोराइड, ये आपका दे देगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द लिगेंड्स NH3EN साइनाइड, ये साइनाइड है आपका, एंड CO, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इज, लिगेंड स्ट्रेंथ, तो ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है कार्बोनाइल, सोचना ही नहीं है, फिर साइनाइड आ गया, फिर EN आ गया, फिर NH3 आ गया, तो यहाँ से अपना फर्स्ट आंसर ही करेक्ट बैठ जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई कॉपर प्लस टू, मतलब क्यूप्रिक आयन की बात कर रहा है, मोस्ट स्टेबल कहाँ बन रहा है, तो सिंपल सी चीज है, आपका ये मेटल है, मेटल आयन है, प्लस एक्स कोई भी चार्ज हो सकता है, इसके साथ एन लिगेंड अटैच हो गए, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है MLN, अब इस पर प्लस माइनस कुछ भी चार्ज हो सकता है भाई, डन, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा के फॉर्मेशन, तो के फॉर्मेशन इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताता है, इसका मतलब के फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा, समझ गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू देखो कहाँ रही है, ये रही। अब आपको ये चिलेशन वगैरह नहीं देखने, जैसे इसमें चिलेशन हो रहा है लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं करनी है, जब आपको सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है के स्टेबिलिटी, तो फिर सोचना ही नहीं है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका कौन सा हो गया सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, आपको यहां पे देखना है सबसे स्टेबल स्पीसीज कौन सी है, तो
नो डाउट लिगेंड स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो सबसे वीक ये हो गया, इससे थोड़ा स्ट्रांग ये हो गया, इससे स्ट्रांग ये हो गया, लेकिन ये आओ ना कीलेशन हो गया, चीलेशन होते ही सबसे स्ट्रांग आ जाएगा, चीलेस फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आ जाओ एम ऑक्टेडल, सारे ऑक्टेडल के हिसाब से बात करो, एम ए सिक्स कभी नहीं देता, एम ए फाइव बी कभी नहीं देता, फाइव पे एम ए फोर बी टू, या आप बोल सकते हो एम ए फोर बी सी, ये दो देते हैं, दो जी आई एक्सिस और एक ट्रांस, राइट। दूसरा एम ए थ्री बी थ्री, थोड़ी देर पहले ही देखा देगा, दो देते हैं, एक फेशियल और एक मेरिडायनल। फिर आपका कौन सा एम ए टू बी टू सी टू, ये फाइव देते हैं, एक सिस देते हैं और चार ट्रांस देंगे। खैर यहाँ से आ जाओ, तो ये तो एम ए फाइव बी टाइप का आ गया, तो ये तो देगा ही नहीं। इसकी बात करें, ये आपका स्क्वायर प्लेनर आ गया, तो एम ए थ्री बी टाइप का है, तो स्क्वायर प्लेनर में एम ए टू बी टू देता है, एम ए टू बी सी देता है, फिर एम ए बी सी डी देता है, तो आपका ये एम ए थ्री बी टाइप का, ये देगा ही नहीं, तो ये भी गया, ये आ गया, फर्स्ट ही ऑप्शन था अपना एम ए फोर बी टू, कितने देगा, दो जी आई एक सिस और एक ट्रांस, ये तो एम ए सिक्स आ गया, ये देगा ही नहीं, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी सी एफ एस सी फॉर ऑक्टाइडल, ऑक्टाइडल के लिए सी एफ एस सी दे रखी है, ठीक है, और टेट्राइडल के लिए पूछी है, अरे कोई लफड़ा ही नहीं है यार, डेल्टा टी इज गस टू क्या होता है, फोर बाई नाइन ऑक्टाइडल, तो कुछ भी चेंज मत कर इसको, फोर बाई नाइन जैसा दे रखा है वैसे ही चल ले इसको लेके भाई। ये आ गया, कितना आ गया, 2000, फोर से मल्टीप्लाई कर दे 8000, ये लो आपका थर्ड आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, ए चिलेटिंग लिगेंड हैज टू और मोर देन टू डोनर एटम, एक चिलेट है, एक चिलेटिंग लिगेंड है जो दो या दो से ज्यादा डोनर एटम रखता है, ठीक है, टू बाइंड टू ए सिंगल मेटल, यानी एक ही मेटल आयन को कोऑर्डिनेट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चिलेटिंग लिगेंड, कौन सा चिलेटिंग लिगेंड नहीं है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पहला थायोसल्फेट, तो ये आपका क्या हो गया H2O3-2, इसके पास दो अलग अलग डोनर आइटम है लेकिन एक टाइम में एक ही यूज करता है, ये एम्बिडेंटेड बन सकता है, बाकी चिलेट लिगेंड कभी नहीं बन सकता। ऑक्जिलेटो आपको पता है, ऑक्जिलेटो के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ये रहे एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, डन, यहाँ पे एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो मेंबर कम रह जाएंगे रिंग में, और फाइव मेंबर से कम रिंग होती है तो वो स्टेबल होती ही नहीं है। ग्लाइसिनेटो सोचना ही नहीं है, CH2COO-NH2, दोनों एक साथ डोनेट करेंगे, और ये तो इथाइलिन डाइएमिन ईएन की बात कर रहा है जो सबको पता है, आपका कैसा है बाइडेंटेड, फिर भी चलो इतनी बात चलिए तो इसे एक में काहे को छोड़ना, आ गए ना ये यहाँ से, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन वाटर विल गिव्स, अरे कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ये आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आइडेंटिटी इसकी रिटेन रहेगी, आयनाइजेशन सिर्फ आयनाइजेशन स्फेयर का होगा तो सिर्फ सल्फेट आयन का टेस्ट मिलेगा आपको, यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लेटिनम, तो प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो इसकी, तो ये प्लस फोर में आ गया ना, कैसे, इसकी एक्स अज्यूम कर लो, ये जीरो है, ये माइनस टू है, इजगस टू प्लस टू है, देन एक्स इजगस टू प्लस फोर, तो प्राइमरी वैलेंसी तो आ गई फोर। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, तो ये आपका कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है, तो बाइडेंटेड है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो दो कितने बना लेंगे, फोर बना देंगे, और यहाँ पे आपका कोला आ गया क्लोरीन, जो आपका कैसा है, क्लोराइड, मोनोडेंटेड लिगेंड, दो कोऑर्डिनेट वो बनाएगा, टोटल सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई, सिक्स, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फोर सिक्स, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
दी कॉम्प्लेक्स आयन, ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन दे रखे हैं, तो ये आपस में कैसे हैं, तो देखो ये NO2, इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन है, तो जब भी डोनर साइट बदलती है तो आपकी लिंकेज आइसोमरिज्म होती है, तो ये आपस में लिंकेज आइसोमर्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, तो स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मांगता है, ये तो सिंपल सी चीज हो गई, ये आपका वीक फिल लिगेंड है, और वीक फिल लिगेंड होने की वजह से निकल देखो प्लस टू में है, प्लस टू में होने का मतलब 3D8 है, 3D8 होने का मतलब है अगर इसकी स्प्लिटिंग भी कराओगे तो ये आपका कितना गया 1 2 3 4 5 6 7 8 टेट्राहेड्रल बनेगा sp3। क्लियर, वीबीटी से बना करके देख सकते हो क्योंकि ये पेयरिंग करवाई गई नहीं, तो इसका तो sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। यहां पे ये बड़े काम की चीज है, ये स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है लेकिन ये कार्बोनाइल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होने का मतलब है ये आ गया 3d8 4h2, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पीछे शिफ्ट कर देगा तो ये 3d10 हो गया, तो d तो खाली मिल ही नहीं सकता, अब इसको आगे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, इसका भी sp3 है। यहां पे आए तो इसके पास सेम कंडीशन आ जाएगी 3d8 वाली, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये इसको यहां शिफ्ट कर देगा तो एक d खाली हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा dsp2 स्क्वायर प्लेनर, कौन सा आ जाएगा थर्ड, और यही वो वीक फील्ड है, ये टेट्राहेड्रल होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, तो आपका क्लोरोफिल मैग्नीशियम प्लस टू आयन का ही कॉम्प्लेक्स है। क्लियर, विटामिन B12 तो कोबाल्ट प्लस टू का है, ठीक है, इसी प्रकार आपके ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड आ गया, ये आपका जिंक प्लस टू का कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनकी बात। ट्रांसबुल्स ब्लू कलर, सिंपल सी चीज है, फेरस फेरी साइनाइड, ये आपका होगा। क्लियर, जब भी फेरस आयन का टेस्ट करते हैं तो ये आपका आता है, फेरस आयन का टेस्ट करना हो तो अपन किससे रिएक्शन करवाते हैं, K3FeCN6 से, तो आपका क्या बन जाता है Fe3FeCN6 2, तो ये प्लस टू, ये आपका ट्रांस ब्लू कलर होता है। और ऐसे ही फेरिक आयन का करना हो तो वो बनेगा फेरी फेरोसाइनाइड, और फेरिक फेरोसाइनाइड जैसे ये रहा, इसका कलर कैसा होता है आपका पर्शियन ब्लू होता है। क्लियर, ये फेरिक आयन का टेस्ट देता है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा सेकंड। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एन इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ जाइएगा आप, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो D6 लो स्पिन, तो आपको पता है D1 से लेकर 3 तक कोई दिक्कत नहीं, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। क्लियर, तो यहां से D1 से D3 की तो बातें हो ही नहीं रही, तो उसको तो भूल जाओ। फिर D4 से लेकर के D7 तक अगर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है तो हमेशा D2SP3 कॉम्प्लेक्स बनता है, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक फिल लिगेंड हुआ तो हमेशा sp3d2 बनता है, और इसका मतलब होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर ये आ जाएगा। क्लियर, बाकी यहां तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, यहां पे लो स्पिन बनेगा तो वो dsp2 आएगा, और यहां हाई स्पिन बनेगा तो ये sp3d2 टाइप का होगा, क्योंकि d8 से लेकर के d10 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो वो आउटर ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया एक्ट एज ए वेरी गुड लिगेंड, बिल्कुल अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है, बट अमोनियम आयन, तो देखो अगर अमोनिया है आप यूं समझो, ये अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है तभी तो ये देता है, अब अमोनियम आयन आने का मतलब H+ आई, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट पहले ही बना चुका है, अब इसके पास लोन पेयर है ही नहीं डोनेट करने के लिए एक्चुअली, तो ये बॉन्डिंग कहाँ से करेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा अमोनियम आयन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी प्रकार H2O एक लिगेंड है लेकिन H3O+ नहीं होता, इसके पास एक लोन पेयर है लेकिन नहीं, अब लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, तो अमोनियम आयन और आपका H3O+ कभी लिगेंड बनते ही नहीं है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म ए चिलेट, तो जो बाइडेंटेड होंगे वो बना देंगे, तो एसीटेट आयन, तो आपको पता है एसीटेट जो लिगेंड होता है वो तो मोनोडेंटेड है, साइनाइड ये मोनोडेंटेड, हाँ इसको एम्बीडेंटेड भी बोल सकते हैं, दो डोनर साइट है लेकिन एक टाइम में एक ही यूज करता है। ऑक्जिलेटो ये अभी बताए थे, ये आपका बाइडेंटेड है, इसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी अपन ने थोड़ी देर पहले। और बात करें अमोनिया, अमोनिया मोनोडेंटेड होता है, तो कौन सा है चिलेट लिगेंड आपका सेकंड। जितने भी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं सारे चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड भी चिलेटिंग लिगेंड की तरह शो कर सकते हैं जब वो अपनी डेंटिसिटी टू शो करते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड वो लिगेंड होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी को एक से दो बढ़ा सकते हैं, या डेंटिसिटी एक क्या होती है फ्लेक्सी प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो देखो पहले स्ट्रक्चरल की तरफ आओ, क्या ये आयनाइजेशन देगा, बाहर कोई आयन है ही नहीं, नहीं देगा। हाइड्रेटेड वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, नहीं देगा। NH3 जा सकता था लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। दूसरी चीज़ फिर यहाँ पे कोई आयनाइजेशन स्फीयर में आयन भी चाहिए, विदाउट आयनाइजेशन स्फीयर के हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन पोजीशन इसमें पॉसिबल है नहीं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। एक तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन वो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स ही है नहीं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ये दे नहीं रहा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जरूरी है। लिंकेज भी नहीं दे रहा क्योंकि वहां पर आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड जरूरी है। लिंकेज आइसोमरिज्म अराइज ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड, तो एम्बिडेंटेड तो है ही नहीं इसके पास। अब अपने पास ऑप्शन बच गया स्टीरियो आइसोमरिज्म का, तो स्टीरियो के पास लाएं, तो स्टीरियो में ये GI शो कर सकता है। कैसे, सबसे पहले तो ये किस प्रकार का है वो देखो, ये मेटल हो गई, ये बाइडेंटेड एंड सिमेट्रिकल, तो MAA2 और ये B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। तो देखिएगा ये ए ए ए, ये तो ऑक्जिलेट आ गया इधर, और ये बी बी, ये सिस आइसोमर हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल शो होगी, तो ये हो गए दो आइसोमर। तो तीसरा बनाना चाहें GI देगा, ये सिस हो गया तो GI इसका ट्रांस बनाओ, बी बी ए ए और ए ए, ये कौन सा आइसोमर हो गया, ट्रांस हो गया, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो OI नहीं देगा। तो टोटल कितने हो गए, 1, 2 और 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। पूछा जाए OI कितने हैं, 2, GI कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं 3। अब ये कैसा टोटल हुआ भाई, तो ये ऐसा टोटल हुआ, ये GI में भी काउंट हो रहा है और OI में भी ये कॉमन है दोनों तरफ, तो एक बार ही काउंट करना है इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वर्नर थ्योरी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को समझाने के लिए आई थी, उसमें क्या कहा गया कि कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए दो प्रकार की वैलेंसी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थी जो आयनिक बॉन्ड से जुड़ती थी और आयनिजेबल थी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ती है और वो नॉन आयनिजेबल होती है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी इज आयनिजेबल, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी वैलेंसी नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी आयनिजेबल नहीं होती। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी नहीं, प्राइमरी तो आयनिजेबल है लेकिन सेकेंडरी नहीं, ना इधर प्राइमरी और ना इधर, तो ये भी गलत हो गया, प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयनिजेबल है। नेक्स्ट सिंपल सी चीज है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इनमें क्या हो रहा है देखो, इसके साथ क्लोरीडो लिगेंड है और प्लेटिनम के साथ अमोनिया, या कॉपर के साथ तो अमोनिया आ गया और प्लेटिनम के साथ क्लोरीडो चला गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपके दोनों के सेंटर इंटरचेंज हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म हो गया, ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है, राइट। नेक्स्ट द नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर्स ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दिया है तो इसका नहीं बताना, इसका लिंकेज आइसोमर, इसका लिंकेज आइसोमर कौन सा हो गया, कोबाल्ट NH3 5 ONO Cl2। आई होप समझ गए होंगे, डोनर साइट ऑक्सीजन होगी अब, तो आपका ये आ गया पेंटाएमीन नाइट्राइटो, डोनर साइट ओ है तो ओ, कोबाल्ट कौन सी में है, +3 में है तो कोबाल्ट 3, और ये क्लोराइड, नंबर ऑफ आयंस कभी शो करते नहीं, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट लिंकेज आइसोमरिज्म, कौन सा है जो लिंकेज आइसोमरिज्म, मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ये आ गया एम्बिडेंटेड लिगेंड,
तो डोनर साइट बदल सकती है, एक बार नाइट्रोजन और एक बार ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म। इसकी बात करें सबसे पहले तो ये MA4B2 टाइप का है, तो दो जी यही दे देगा ये, तो इसकी तो टोटल दो है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज इसका पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बात करें तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कैलकुलेट करें इसका, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये MAA2 टाइप का है, तो ये GI नहीं देता इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स, पॉसिबल नहीं है इसका GI। और OI तो स्क्वायर प्लेनर वैसे भी नहीं देते हैं, प्लेन ऑप्सीमेट्री प्रेजेंट होता है, 2D है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तो पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है, जबकि ये कैसा है, 2D है, 2 डायमेंशनल है। खैर, यहां बात करें अपन इसकी, तो ये कैसा बन गया, मेटल है AA3, ये सारे के सारे सिमेट्रिकली हैं, क्लियर। तो यहां पे देखा जाए तो GI वगैरह होगी नहीं, स्ट्रक्चरल इसकी होगी नहीं, ये दो OI दे देगा, क्लियर, तो टोटल दो हो गए। अभी यहां पर आए, सल्फर डोनर एटम है इस समय, ठीक है, तो ये दो GI दे देगा, क्यों, ये आपका MA2B4 आ गया, तो दो GI दे देगा, लेकिन ये तो सल्फर है। दूसरे केस में मैं ये भी तो कर सकता हूं ना, क्रोमियम NCS2NH3 4, ये आ गया, दो GI ये दे देगा, तो टोटल GI कितनी हो गई, 4, और दो हो गई लिंकेज, एक ही है और एक ही है, लेकिन टोटल तो 4 ही मानी जाएंगी, 4 GI डन, दो लिंकेज डन। अब टोटल कितनी हो गई आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स 4 ही बोले जाएंगे, क्यों, ये दोनों स्ट्रक्चर GI में भी काउंट है, कॉमन है, फिर भी ये सबसे ज्यादा देगा, 4 दे रहा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो बाई MABCD, 3। अच्छा, सब देखेंगे कैसा रटा रटा सीधा फेंक दिया, आ जाइए इधर, स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये आ गया A, याद रखना ये भी तभी पॉसिबल होगा जब ये स्क्वायर प्लेनर होगा, डन, तो ये A को फिक्स कर दो, फिर BC और ये BCD, अब A के ट्रांस में सीस है, कौन, A के ट्रांस में सी है, सॉरी, A के ट्रांस में कौन है, सी है, एक तो ये हो गया, दूसरा A को फिक्स कर दिया ना, BCD, अब A के ट्रांस में B आ गया, ये भी ट्रांस हो गई, A को तो फिक्स किया अपन ने, A अभी भी फिक्स पड़ा है, फिर ये D, B और C, A के ट्रांस में D आ गया, फिर आगे और घुमाने कोशिश करोगे तो वापस A के ट्रांस में C आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे इसको फिक्स करके कर ले, तो कर ले भाई, B के ट्रांस में D 1, फिर B के ट्रांस में A ले आ जो पहले से पड़ा है, मतलब रिपीट हो जाएंगे स्ट्रक्चर, तो टोटल 3 ही होंगी और तीनों ट्रांस होंगी। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कोबाल्ट प्लस 3 में, कोबाल्ट प्लस 3 में जब भी होगा ऑक्सीलेट, ये आपका स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड काम करता है, ऑक्सीलेट भी और अगर H2O हुआ तो भी, कोबाल्ट प्लस 3 के साथ ऑक्सीलेट और H2O दोनों ही स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड का काम करते हैं। इसके अलावा एक चीज और, ये आपका 3D6 में आ गया, तो 3D6 में आने का मतलब स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की काम करेगा तो पेयरिंग करवा देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये दो खाली हैं, D2SP3, ये आ गया D2SP3। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ फेरोसिन, तो फेरोसिन का फॉर्मूला ये रहा, याद रखना है, ध्यान में रखना है इसको, क्लियर, सैंडविच कंपाउंड है ये, विच ऑन इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा, ये ऑन मिसप्रिंट है भाई, ठीक है, विच इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की पहली कंडीशन है मेटल डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन के कार्बन से अटैच हो और जिसमें मेटल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव,
तो गिरनार रेजेंट इसमें आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला यहाँ पे जो मेटल है वो ऑक्सीजन से अटैच है। सेकेंड, द कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट इज, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लेटिन काम में लिया जाता है, ये रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड की अगर बात करें तो C2H5 4, ये 5 है इसकी बात कर रहा है, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, मतलब कि जैसे गाड़ी वगैरह पेट्रोल में मिलाया जाता है इंजन का साउंड कम करने के लिए, एंटी नॉकिंग एजेंट, तो फॉर रिड्यूसिंग नॉकिंग। ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैन फंक्शन एज ए लिगेंड ओनली व्हेन, ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैन फंक्शन, ये कह रहा है कि एटम्स का एक ग्रुप जो फंक्शन करता है किसकी तरह, एक लिगेंड की तरह, तो जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए होगा वो लिगेंड बन जाएगा, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे केटायनिक हो, चाहे एनायनिक हो, स्मॉल मॉलिक्यूल हो कोई जरूरी नहीं, लार्ज भी चलेगा। इट हैज एन अनसेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब लोन पेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिवली चार्ज हो जरूरी नहीं, पॉजिटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जरूरी नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये लिगेंड बन सकते हैं, लेकिन मस्ट कंडीशन उसकी ये है। अब किसी के पास पॉजिटिव चार्ज हो गेरा, लेकिन वो लोन पे डोनेट ही नहीं कर रहा हो, तो बात आ गई समझ में, तो लोन NH4+ है, तो ये कंडीशन क्या होगी, लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू लेविस द, अकॉर्डिंग टू लिवाइस द लिगेंड्स आर, बिल्कुल लिवाइस थ्योरी की अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल लोन पेयर लेता है तो वो तो लिवाइस एसिड बन जाएगा, और लिगेंड लोन पेयर डोनेट करता है तो वो लिविस बेस बन जाएगा, तो बेसिक इन नेचर। Which of the following organometallic compounds is sigma and pi, carbonyl sigma and pi bonded है, ये आपका कैसा होगा, sigma bonded हो गया, ये आपका pi donor होते हैं, ठीक है, तो pi bonded है only, ये भी pi donor है, ये आपका, क्योंकि आपको पता है CO pi acid ligand है, sigma donor के साथ साथ ये pi acceptor भी है, तो sigma और pi दोनों है, synergic phenomena यहाँ देखने को मिलेगी। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाई, सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड काम में लेते हैं जो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे वर्क करता है, विटिंग नेचर पे, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, मेलेकाइट आपका किसका ओर होता है, कॉपर का ओर होता है, तो ओर के ये फॉर्मूले आपको सबको याद रखने हैं भाई, कोशिश ये करो एनसीईआरटी में जो भी फॉर्मूले दे रखे हैं उनको आप तैयार कर लो, और का फॉर्मूला एक रट्टा बेस काम है भाई, उसको रटना पड़ेगा। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट CuFeS2। नेक्स्ट, द ऑयल इज यूज फॉर फ्रॉथिंग एजेंट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन, कैम्फर ऑयल काम में लिया जाता है या फिर पाइन ऑयल काम में लिया जाता है आपका, ये रहा। इनमें क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन का लॉन्ग चेन पार्ट होता है, ये तो हाइड्रोफोबिक होता है, एक पोलर हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग, लीचिंग मेथड, एक तो एल्यूमिनियम के होता है, एक Ag के लिए होता है और एक गोल्ड के लिए, लीचिंग मेथड बोल दो या फिर आप इसको केमिकल प्रोसेस या केमिकल मेथड भी आप बोल सकते हो। तो ये तो कब, एल्यूमिनियम जब बॉक्साइड होता है ना, रेड बॉक्साइड हो चाहे वाइट बॉक्साइड हो, उनके लिए कंसंट्रेशन प्रोसेस लीचिंग होता है, जैसे कि आपका सरपेक मेथड हो गया, बेयर प्रोसेस हो गया, हॉल्स प्रोसेस हो गया, इसी प्रकार AgO और AU के लिए आपका साइनाइड प्रोसेस काम में लिया जाता है, मैक ऑर्थर साइनाइड फोर्सेंट प्रोसेस, तो किसके लिए यूज नहीं होता, मर्करी के लिए। सेकेंड, हाउ डू वी सेपरेट टू सल्फाइड और बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, ये कह रहा है कि अगर आपके पास और ऐसा है जिसके पास इम्प्योरिटी भी फ्रॉथ बना रहा है, जैसे सपोज करो कि आपके पास PbA और आपका ये और है, अब इसमें इम्प्योरिटी है जिंक सल्फाइड की, ये भी फ्रॉथ बनाता है, अब दोनों फ्रॉथ बना रहे हैं, तो ऐसे तो इम्प्योरिटी भी फ्रॉथ के साथ आ जाएगी, क्या करें, तो इनमें डिफ्रेसेंट मिलाया जाएगा, डिफ्रेसेंट क्या करेगा, इसके साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा,
जैसे मान लो इसमें मैंने KCN एक डिपरसेंट मिला दिया, तो ये इसके साथ क्या करेगा, K2ZnCN4, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब सिर्फ ये पानी में डिजोल्व नहीं है, तो ये फ्रोथ बना लेगा। दूसरा, ऑयल और जो वाटर है उसका जो रेशियो होता है उसको एडजस्ट किया जाता है, मतलब कैसे भी करके इसकी CMC कम कर ली जाती है, तो ये जल्दी फ्रोथ बना लेगा। या एक्टिवेटर मिला दिया जाएगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। खैर यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये रहा, बाय एडजस्टिंग प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और यूजिंग डिपरसेंट, तो आपका कौन सा आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। बॉक्साइट में कॉमन इम्प्योरिटी सिलिका होती है। बॉक्साइट दो प्रकार का होता है, एक तो रेड बॉक्साइट, एक व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में तो Fe2O3 की इम्प्योरिटी मेजर होती है, साथ में टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन सिलिका भी होती है। व्हाइट बॉक्साइट में ये मेजर इम्प्योरिटी बन जाता है, बाकी आयरन ऑक्साइड वहाँ पे माइनर इम्प्योरिटी होता है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड, क्ले, इटीसी फ्रॉम द नॉन एज, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो ये आपका कंसंट्रेशन बोल दो, ड्रेसिंग बोल दो, या बाइफिनेक्शन बोल दो, बेनिफिक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में शायद सज्जीकरण कहा जाता है। एक मिनट, हाँ, सज्जीकरण, क्लियर। तो आपका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। NCERT की लाइन ऐसे कैसे, कंसंट्रेशन वाले में देखना, जहाँ पे कंसंट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग एन सिलिका लाइंड कन्वर्टर। सिलिका बेसिमराइजेशन वो किसके लिए होता है, आपका कॉपर के लिए, वहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलिका से लाइंड होता है, तो इसके अंदर जो आयरन की इम्प्योरिटी होती है ना, आयरन ऑक्साइड की, इसकी Fe की, वो सिलिका के साथ रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना लेता है, FeSiO3 स्लैग, तो ये कॉपर के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड बाई रिडक्शन ऑफ इट्स मेटल ऑक्साइड बाई एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो इसका रिडक्शन एल्यूमिनियम नहीं कर सकता। बाकी सबके लिए होता है, जो थर्माइट प्रोसेस होता है, Cr2O3 के लिए भी इसको काम में लेते हैं, MnO2 के लिए काम में लेते हैं, Mn2O3 के लिए काम में ले लेते हैं, Fe2O3 के लिए, यहाँ तक कि यह तो थर्माइट मिक्सर होता है ही, मतलब एल्यूमिनियम और कौन लिया जाता है उसमें, Fe2O3 ले लिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड। तो पायराइट क्या है, कॉपर पायराइट ले लो जैसे CuFeS2, सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओरों के लिए रोस्टिंग काम में ली जाती है, तो यहां से क्या होगा, सल्फर हट जाएगा SO2 के फॉर्म में। नेक्स्ट, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर सिलिकन एंड फॉस्फोरस कैन बी रिमूव्ड बाई कास्ट आयरन बाई एडिंग। कास्ट आयरन के से अगर इन इम्प्योरिटीज को हटाना है तो लाइम स्टोन मिलाया जाता है। लाइम स्टोन क्या करेगा, ऑक्साइड बनाएगा इनके, और साथ में इनके साथ अटैच करके स्लैग के रूप में इनको हटा देगा, थॉमस स्लैग, वेस्ट मटेरियल ऑफ स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर का काम करता है ना, तो वो, तो आपका ही आ गया। नेक्स्ट, एलिगम डायग्राम। एलिगम डायग्राम किसके लिए होता है, गिव्स एनर्जी चेंजेज वर्सेज टेम्परेचर के बीच। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सट्रक्शन ऑफ हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड। हेमेटाइट के लिए ये लाइमस्टोन फ्लक्स का काम करता है, ये क्या करता है, फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जो सिलिका की इम्प्योरिटी होती है ना, उसके साथ कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना लेगा, नॉन फिजेबल को फिजेबल बना देगा, साथ ही इसकी डेंसिटी कम होती है, फ्लोट तैर करके ऊपर आ जाएगा, और मेटल को ऑक्सीजन से कनेक्शन उसका काट देगा, तो रीऑक्सीडाइज होने से बचा लेगा उसको, तो फ्लक्स का काम करता है ये कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए लिखा है रे, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हीट तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, तो लाइमस्टोन यूज करते हैं, लेकिन फाइनली ये फ्लक्स का काम कर रहा है, तो ये एज ए फ्लक्स ही काम में लिया गया है। नेक्स्ट, इन ए थर्माइट प्रोसेस इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है। इसके लिए फिर भी रिएक्शन देखना चाहो तो जैसे Fe2O3 है, एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन करवा दो,
तो ये Al2O3 बन जाएगा और आपका Fe, और हाई क्वांटिटी में हीट निकलेगी तो मेटल्स को वेल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है वेल्डिंग में, इसलिए इसको थर्माइट मिक्सर भी बोला जाता है। हाँ, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेरियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम लिया जाता है जिसको इग्निशन मिक्सर अपन बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ? एल्यूमिनियम। खुद का ऑक्सीडेशन करवा दिया, इसका रिडक्शन करवा दिया +3 से 0। नेक्स्ट सिंपल सा है, साइनाइड प्रोसेस है, लीचिंग मेथड है आपका, किसके लिए होता है? गोल्ड के लिए। यहाँ पे ये गोल्ड होगा, देखो 4 Au एट साइनाइड 2H2O प्लस O2, ये आपका बन जाएगा 4 Gold CN2 एक्वस प्लस 4OH-। तो मेटल M कौन है यहाँ पे? गोल्ड। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड वन फ्रॉम सल्फाइड ओर है ये, द मेटल इज फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ Cu2O विथ। तो इसमें देखो क्या आएगा, इसके रिएक्शन करवाएंगे किससे? इससे, तो ऑटो रिडक्शन हो जाएगा। कैसे? आप यू समझो Cu2S Cu2O ये आपस में रिएक्शन करेंगे, 6 Cu ब्लिस्टर कॉपर बन जाएगा और SO2 यहां से हट जाएगी। तो कौन सा आ गया? थर्ड। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। जोन रिफाइनिंग का जो बेस है वो यही है, मेन प्रिंसिपल यही है कि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो सॉलिड की बजाय लिक्विड स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती है, जिस वजह से वो क्या होगी, जैसे जैसे वो हीटर चलेगा मूवेबल, उसके साथ इम्प्योरिटीज भी हटती जाएगी। क्लियर? तो आपका कौन सा आ जाएगा? ग्रेटर सोल्यूबिलिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज इन मोल्टन स्टेट देन सॉलिड, आपका फर्स्ट ही यहाँ पे हो जाएगा। किसके लिए काम में लिया जाता है? मोस्ट ऑफ ये सेमीकंडक्टर्स के लिए, जैसे सिलिकन के लिए हो गया, जर्मेनियम के लिए हो गया, इनके लिए यूज किया जाता है। इनमें अल्ट्रा प्योर मेटल, हाईली प्योर, सबसे ज्यादा प्योर मेटल इसी फॉर्म में मिलता है, इसी प्रोसेस में मिलता है। नेक्स्ट, कैसिटेराइट इज और द और टिन का है, SNO2, जिसमें वोल्फ्रामाइट की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम गोल्ड इज प्रोड्यूस्ड एज। तो देखो, जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं तो आपको पता है जो एनोड है वो तो इम्प्योर कॉपर का बनाया जाएगा, ये तो है एनोड, किससे बनाया? इम्प्योर कॉपर, और ये आपका आ गया कैथोड। कैथोड बनाया जाता है प्योर कॉपर का, और इसी का इलेक्ट्रोलाइट किसका? कॉपर सल्फेट भर दिया जिसे H2SO4 के साथ। तो ये कॉपर यहाँ से कॉपर +2 में, और यहाँ पे ये कॉपर +2 डिपॉजिट होता रहता है कॉपर की फॉर्म में, ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और ये बारीक, और इसमें जो इम्प्योरिटी होती है गोल्ड टाइप की Ag की, ये इसके नीचे इकट्ठी हो जाती है, एनोड के नीचे कलेक्ट हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका एनोड मट। एक चीज़ और ध्यान रखना, अब आप कहोगे कि गोल्ड अच्छी बात है ये, तो यहाँ से इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन वही चीज़ है, मेटलर्जिकल प्रोसेस वो होते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छे हों, ठीक है, मतलब कि सस्ते हो, आसान हो, प्रॉफिट दें। यहाँ से अगर गोल्ड निकालने की कोशिश करोगे खर्चा ज़्यादा लग जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो नुकसान हो जाएगा, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं माना जाता है, यहाँ इम्प्योरिटी है गोल्ड। तो किस में मिलता है ये? एनोड मड में। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम प्यूरिफाइड बॉक्साइड क्रायोलाइट इज एडेड टू चार्ज। ये क्रायोलाइट यहाँ पे क्रायोलाइट में लाया जाता है Na3AlF6, इसको यूं भी लिख दिया जाता है Na3AlF3, इसको यूं भी लिख दिया जाता है Na3AlF6। ये अकेला नहीं लेते, इसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड जिसको फ्लोरोस्पार कहते हैं, ये भी लिया जाता है। इनका बेसिकली काम क्या है? एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करेगा। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है, इसको ये 950 के आसपास ले आएगा। इलेक्ट्रिक रिएक्टर का इतना टेम्परेचर बनाए रखना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी फ्यूल कंज्यूम होता है, धारा बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आ जाता है, तो उससे बचने के लिए ये फ्लक्स मिलाए जाते हैं। दूसरा, एल्यूमिना की
कंडक्टिविटी भी बढ़ा देगा, जिससे रिजल्ट थोड़े फास्ट आ जाएंगे। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आयन भी प्रोवाइड करवा देता है ये। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइड एंड रेंडर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूट्रल फ्लक्स है ये। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रोट आयरन। रोट आयरन में सबसे कम आपका कार्बन होता है, ऑलमोस्ट 0.11 to 0.2% के नियर बाई इसमें कार्बन होता है, सबसे कम इसी में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में किसमें, स्टील में, इससे ज़्यादा किसमें, कास्ट में 3%, और सबसे ज़्यादा इसमें कितना, 4%। तो प्योरेस्ट फॉर्म कौन है, रॉट आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाई, जिंक ब्लेंड से जिंक, तो ये आपका आ गया जिंक ब्लेंड। तो सबसे पहले तो इसकी रोस्टिंग करवानी पड़ती है, जिससे जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2। फिर इसका हाई टेम्परेचर पे होता है, 983 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम यहाँ कार्बन कर रहा है, जिंक, और ये यहाँ से CO निकल जाएगा। क्लियर। तो रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, ये आपका आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इन मंट्स प्रोसेस ऑफ निकल प्यूरिफिकेशन देन T1 T2, ये टेम्परेचर है बताने कौन से होंगे। याद रखो ये वेपर फेज सिस्टम है। अगर मान लो किसी मेटल में ऐसे सब्सटेंस की इम्प्योरिटी है जो नॉन वोलेटाइल है, और मेटल खुद वहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, तो बाहर से एक ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाता है जो मेटल्स के साथ जुड़ के उसको वोलेटाइल बना लेगा, तो ये काम कम टेम्परेचर पे होता है, तो इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी और वो वोलेटाइल फॉर्म में अलग आ गया। अब उसको हाई टेम्परेचर देंगे, बॉन्ड वापस तोड़ देंगे, तो मेटल प्योर फॉर्म में बच जाएगी और आपका जो सब्सटेंस बाहर से जोड़ा था वो वापस से हट जाएगा। तो पहला टेम्परेचर लो होता है, दूसरा हाई होता है। ये तो अप्रोक्स सेम से ही है, ये तो वैसे ही काट दो, ये सेम से है, ये काट दो, पहले वाला हाई हो नहीं सकता, तो यही हो गया। तो ये तो कॉमन सेंस के वजह से भी ये सवाल हो जाएगा, बाकी टेम्परेचर इसका थोड़ा आपको लर्न रखना पड़ेगा। ये 330 से 350 के आसपास होता है, ये 450 से 470 के नियर बाई होता है। क्लियर। केल्विन में होता है, ये भी याद रखना। लिक्वेशन इज यूज टू प्यूरिफाई, लिक्वेशन किसके लिए काम में आता है, तो लिक्वेशन देखो 14 के लास्ट के दो और 15 के लास्ट के दो, ऐसे याद रख लेना। 14 के लास्ट के दो टिन और लेड के लिए काम में लेते हैं, और 15 के लास्ट के दो मतलब एंटीमनी और बिस्मिथ के लिए, ये उनके लिए काम में लिया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उनके लिए यूज करते हैं। तो अपना कौन आ जाएगा, इसमें टिन आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रखा आपका इम्प्योर मेटल, उसको गर्म करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मेटल का, ये यहाँ प्योर फॉर्म में यहाँ मिल जाएगी, इम्प्योरिटी यहीं बच जाएगी, ये लिक्वेशन प्रोसेस हो गया। विच एलिमेंट इज प्योरीफाइड बाई वॉन ऑर्केल मेथड, तो ये टाइटेनियम और जर्केनियम के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम के लिए भी लेते हैं, थोरियम के लिए भी लेते हैं, लेकिन अपने NCERT में दोनों का डिस्कस कर रखा है। ये वेपर फेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या किया जाएगा, जैसे टाइटेनियम है ये इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटी पड़ी है किसकी, नॉन वोलेटाइल की, ये खुद भी नॉन वोलेटाइल है, तो बाहर से जैसे इसमें आयोडीन मिला दी, ये काम लो टेम्परेचर पे होगा, तो यहाँ पे Ti4 बन जाएगा जो कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। फिर हाई टेम्परेचर दोगे तो वापस ये बॉन्ड स्टेट टूट जाएगी, टाइटेनियम अलग हो जाएगा और 2I2, तो ये आपका कैसा आ जाएगा, प्योर। यहाँ याद रखना ये हाई टेम्परेचर होगा, तो बहुत क्लियर। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ कॉपर मेट, तो आपका क्यूप्रस सल्फाइड होता है और फेरस सल्फाइड होता है, रोस्टिंग में मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, डेल्टा G0, वही गिव्स एनर्जी और टेम्परेचर के बीच, बोले एलिगम डायग्राम की यहां पे बात कर रहा है डायग्राम। स्लोप डाउनवर्ड फॉर द रिएक्शन, डाउनवर्ड किसके लिए है, तो ऐसे में क्या करना है आपको, देखो डेल्टा जी इजकस टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सब में कंबसन हो रहा है, सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब स्लोप पॉजिटिव में लाना है, स्लोप अच्छा डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव रखना है। ये नेगेटिव कब रहेगा, जब एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव आएगा। अगर एंट्रोपी चेंजेस आपका नेगेटिव आ गया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव में चला जाएगा। तो आपको देख के कोशिश ये करने की डेल्टा एस आपका कैसा आना चाहिए,
पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एन जी भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। डेल्टा एन जी क्या है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, लेकिन ओनली गैसेस मोल। तो आइए, ये तो है सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड, तो प्रोडक्ट के मोल तो है रिएक्टेंट की तरफ है, तो यहाँ तो एंट्रोपी कैसे आने वाली है, चेंजेस माइनस में, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी कितना आने वाला है, माइनस हाफ। यहाँ पर देखें, वो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ रहा है, वही प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस किया तो माइनस हाफ, तो एंट्रोपी चेंजेस भी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव नहीं आ रहा। स्लोप नेगेटिव रखना है तो ये पॉजिटिव चाहिए ही चाहिए, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है, गैस का एक है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, एक गैसेज मोलिक्यूलर इधर हाफ है, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, प्लस हाफ, और डेल्टा एन जी प्लस हाफ आने का मतलब है एंट्रोपी चेंजेज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसका स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। इसका स्लोप यूँ देखने का मिलेगा, आप यूँ कह सकते हैं यहाँ से चालू होगा और नीचे चला जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट ये तो माइनस में ही होगा ना, फिर स्लोप भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है नीचे, डाउनवर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन, यहाँ पर तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो इसको तो नहीं मान सकते, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन आ गया इसको नहीं मान सकते, यहाँ पे ये मेटल खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इसको भी नहीं मान सकते, ये भी गया, यहाँ पे देखो कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये ऑटो रिडक्शन, एक्चुअली इसमें हुआ क्या, अपने पास कॉपर सल्फाइड था, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई थी तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और यही दोनों आपस में रिएक्शन कर लिया हाई टेम्परेचर पे, ब्लिस्टर कॉपर यहाँ से बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा कौन सा, फोर्थ। बेसेमर कन्वर्टर इज यूज, बेसेमर कन्वर्टर में स्टील बनाया जाता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल ऑफ वो थॉमस लैग जहाँ से निकलता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। नेक्स्ट, ये आपका डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, वाटर में आइडेंटिटी लूज नहीं करता, 2K+ ये बनाए हुए रखेगा, तो ये ना तो फेरस आयन का टेस्ट दे रहा है ना साइनाइड आयन का टेस्ट दे रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। नेक्स्ट, जी करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया है, तो देखो ये आ गया टेट्रा एमीन क्लोरिडो क्लोरिडो नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सोचना ही नहीं है, सेकंड आ गया, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स एटम, मेटल एटम आयन इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स विथ D5, तो D5 है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, बना दो ऑक्टाइडल में, T2G नीचे रहेगा और EG साहब ऊपर जाएगा। अब देखना यह है, यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब स्प्लिटिंग कम हो रही है, मतलब वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी नहीं, तो D5 1 2 3 4 पेयरिंग होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 T2G3 EG2, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती इससे, तो पेयरिंग हो जाती T2G यहीं आ जाते सारे, तो T2G6 हो जाता है, T2G5 हो जाता सॉरी, लेकिन अब क्या होगा T2G3 और EG2, कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डोनर साइट, डोनर साइट्स इन डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम ग्लाइसिन, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम देखो क्या है, यह आपका आ गया CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH, एक डोनर साइट ये, एक डोनर साइट ये, दो डोनर साइट होंगे, तो इसमें तो हो गई दो। ग्लाइसिनेटो आपको थोड़ी देर पहले बनाया था, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस और ये NH2, क्लियर, तो दो डोनर साइट इसमें भी है। इथाइलिन डाइथाइलिन ट्राइएमीन, तो डाइथाइलिन बनाओ, CH2 NH CH2 CH2 डाइथाइलिन ट्राइएमीन, ये लो दो है NH2, तो ये कैसा है 1 2 3 डोनर साइट है, इसमें तीन आ जाएंगे। EDTA ये आपका 6 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 5 वाला यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, और जब EDTA अकेला लिख के देता है तो EDTA -4 ही मान के चला जाता है, वो डेंटिसिटी 6 रखता है, ठीक है, तो
तो इसके पास 6 हो गई, तो आपका कौन सा आ गया 2 2 3 6। EDTA का फिर भी अगर आपको लगता है स्ट्रक्चर तो आप अच्छे से जानते हैं इसके, तो CH2 N N, फिर वही CH2 एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, तो डोनर साइड 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दी टोटल पॉसिबल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड रेस्पेक्टिवली, इसके लिए बात करें, ये बाइडेंटेड आ गया, तो दो, ये भी बाइडेंटेड, दो की सफलिंग एक साथ होगी, तो इस पर पहले वाले पे प्लस 3 चार्ज है, ये माइनस 3 चार्ज है, फर्स्ट सफलिंग होती है, इस पर पहले वाले पे प्लस 1 और इस पर माइनस 1 बच जाएगा, उसके बाद में फिर सफलिंग होगी क्योंकि सेंटर अलग है, तो वो सप्लिंग कैसे होगी, अब इन्हीं के सेंटर बदलेंगे, इसमें क्रोमियम इधर वगैरह, तो ये टोटल कितने दे देगा, 4 दे देगा। यहाँ पे बात करें तो सेंटर सेम है, सेंटर सेम होते हैं सारे बोनो डेंटेड लेकिन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाफ कितने हो गए, 2 कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म देगा। यहाँ पे ये बाइडेंटेड आ गया तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वही चीज़, ये प्लस 3 में है, ये माइनस 3 में, सेम चीज़, तो पहला तो प्लस 3 माइनस 3 वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस 1 वाला बन जाएगा, फिर चेंज होगा, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 में चला जाएगा, और फिर ये माइनस 3 और ये प्लस 3 में चला जाएगा, टोटल कितने देगा, 4, तो ये आपका 4 2 4। नेक्स्ट की बात करें, ये भी अच्छा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6, अगले ने बोल रहा है कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ए कॉम्प्लेक्स विद C2O4-2 En और सुपरऑक्साइड विल बी इन दी रेशियो टू मेक कॉम्प्लेक्स, तो सिंपल सी चीज है, ये दोनों बाइडेंटेड है, एक एक भी लेके चलोगे तो भी डेंटिसिटी 4 तो ये कवर कर जाएंगे, अब ये आपका मोनोडेंटेड होता है, चाहे प्रोक्साइड हो चाहे सुपरऑक्साइड हो, बात आ गई क्या समझ में, तो अगला बोल रहा है सुपरऑक्साइड है मोनोडेंटेड है, तो इनके नंबर तो होनी चाहिए एक एक, और इसकी नंबर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया, तो एक होने से 2 कोऑर्डिनेट ये बना लेगा, एक होने से 2 ये बना देगा 4, और ये 2 होने से एक एक कोऑर्डिनेट ये बना देगा 4 2 6। ड्यूरिंग द एक्सट्रक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाई द हॉल हेराल्ड प्रोसेस, तो हमेशा ध्यान रखा, हॉल हेराल्ड प्रोसेस के अंदर जो स्टील का वेसल लेते हैं वो तो कैथोड का काम करता है, उसमें ग्रेफाइट की रोड डाल जाती है, वो एनोड का काम करती है, और एनोड पर यहाँ पर कंटिन्यूसली O2 रिलीज होता रहता है, तो वो धीरे धीरे डिक्वे होती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, तो एनोड को फ्रिक्वेंटली बदलना भी पड़ता है, ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो एक ग्रेफाइट लाइन स्टील टैंक सर्व एज कैथोड, बिल्कुल सही बात है, एंड ग्रेफाइट रोड एक्ट एज एनोड। तो ये आपका DCM का 23 पेपर था, फुल्ली NCERT बेस्ड था, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, बाकी आप सॉल्यूशन से जो भी डाउट्स हैं यहाँ से दूर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।